रहीन दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दो वीडियो दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों वीडियो खाने काबा का है, यानी ये जो खाने काबा है वो मुस्लिम के लिए जो है एक बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। और इस स्थल पे जो है हर वक्त लाखों की तादाद में भीड़ का हुजूम रहता है। ये दो वीडियो में, एक वीडियो में आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि खाने काबा का तवाफ नहीं किया जा रहा है, लेकिन दूसरे वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि खाने काबा का तवाफ हो रहा है। यानी ये जो वीडियो आपको दिख रहा है जिसमें खाने काबा का तवाफ नहीं हो रहा है, उस वक्त ऐसा बताया जा रहा है कि उस वक्त वहाँ पे जो है कुछ दवाई वगैरह का छिड़काव चल रहा था, यानी कि उसको साफ क्योंकि कोरोना वायरस का बहुत सारा जो ये है तो उसको कहीं ना कहीं सैनिटाइज किया जा रहा था, सफाई की जा रही थी। और उस वक्त भी जो फ्लोर पे है, जो फर्स्ट फ्लोर पे जो नीचे की तरफ जो है का तवाफ रुका था, लेकिन ऊपर उसका तवाफ शुरू था, लेकिन वो कुछ ऐसे वीडियोस को वायरल किया गया था कि खाने काबा में तवाफ रुक गया है। दोस्तों, ऐसा मानना है कि खाने काबा का तवाफ कभी रुक ही नहीं सकता। और उसी के बाद जो है वहाँ से दो तीन वीडियो और आए जहाँ पे खाने काबा का तवाफ करता हुआ दिखाई दिया। और वहाँ से उन्होंने जो वहाँ के लोग हैं, उन वहाँ जो लोग गए थे, उन्होंने वीडियो बना करके और इस तरह से शेयर किया है। उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की जो है झूठी खबर ना फैलाएं और कि खाने काबा का तवाफ रोक दिया गया है। दर हकीकत जो है उस वक्त जो है ये वहाँ पे जो है कुछ दवाई वगैरह का छिड़काव किया जा रहा था ऐसे, लेकिन उस वक्त भी तवाफ नहीं रुका था। और छिड़काव होने के बावजूद भी, छिड़काव का काम चल रहा था, फिर भी फ्लोर से जो है तवाफ चल रहा था। तो दोस्तों, इस तरह की जो है कुछ झूठी खबर जो है आ रही थी, और इससे लोग जो है एक दूसरे को शेयर भी कर रहे थे कि खाने काबा का तवाफ रुक गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उस वीडियो की सच्चाई सिर्फ इतनी है कि वहाँ पे जो है उस वक्त जो है छिड़काव, दवाई का छिड़काव का काम चल रहा था, और उस वक्त भी फ्लोर से तवाफ चल रहा था और कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन थोड़ी सी एहतियात बरती जा रही है क्योंकि कोरोना वायरस वगैरह का जो है एक बहुत बड़ा ये है, तो उसको लेकर के जो है थोड़ी सावधानी बरती जा रही है। मक्का के लोग, जो वहाँ के रहने वाले जो लोकल लोग हैं, वो तवाफ कर रहे हैं। और ये तवाफ, ऐसा ऐसा मानना है कि खाने काबा का तवाफ कभी भी नहीं रुक सकता। थैंक यू सो मच। वालेकुम दोस्तों, बाद नमाज ज़ोहर 5 मार्च बरोज़ जुमेरात 2020 मैं खाना काबा में मुताफ में मौजूद हूँ। और जैसा कि दुनिया भर से लोगों ने मुझसे मालूम किया है कि आप मक्का में मौजूद हो, तो मक्के की क्या पोजीशन है, क्या उमरा रोक दिया गया है? जी दोस्तों, जो लोग जद्दा से मक्का आ रहे हैं, चाहे वो मुकामी लोग हों, उन्हें मक्का नहीं आने दिया जा रहा। और जो लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं और मक्के से मदीना गए, तो वापसी पे उनसे कंफर्मेशन ली जाती है कि आपकी होटल की बुकिंग है या नहीं है। अगर उन लोगों की होटल की बुकिंग होती है तो उन्हें उमरे के लिए छोड़ दिया जाता है। मैं गुज़िश्ता कई सालों से आ रहा हूँ यहाँ पे मक्के में, मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि 40-45% लोग जो है ना वो अहराम की हालत में हमेशा होते थे और तवाफ कर रहे होते, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ तकरीबन 2-4% लोग जो है ना वो अहराम की हालत में हैं और तवाफ कर रहे हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो जो पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि जी तवाफ़ रोक दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए और मुकामी लोग तवाफ़ कर रहे हैं और अल्लाह की हमद बसना बयान कर रहे हैं और अपने लिए और अपने मुल्क के लिए दुआ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी वही रश है, वही लोग हैं, वही मामलात हैं। सिर्फ यह है कि हिफ्ज़ मा तकद्दम के तौर पे, ताकि यहाँ कोरोना वायरस मुकामी लोगों को ना लग जाए, एहतियाती तदाबीर के तौर पे इन्होंने जो है वो
उमरा रोका है, बाकी तवाफ़ के लिए किसी को कोई मना नहीं है। और जो लोग पाकिस्तान से या दूसरे मालिक से आएँ वो अगर चाहें तो मस्जिद से आयशा से भी अहराम बन के उमरा कर सकते हैं, वहाँ उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देखें मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए और ये तवाफ कर रहे हैं, और देखें अल्हम्दुलिल्लाह हरम फुल।